अरविंद केजरीवाल ने एलजी से दिल्ली के स्कूली शिक्षकों को फिनलैंड जाने की इजाजत देने की अपील की है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शहर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फिनलैंड जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पेशेवर प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर की यात्रा के लिए राज्य सरकार के 36 प्रधानाध्यापकों के पहले बैच को झंडी दिखाकर रवाना करने के तुरंत बाद उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में अनुरोध किया। 36 प्रधानाचार्यों का एक बैच आज प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ है। यह पंजाब के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। मैं एलजी से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने की अनुमति दी जाए। आप दिल्ली के शिक्षकों और बच्चों से नफरत क्यों करते हैं, केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिनकी आम आदमी पार्टी भी पंजाब में सत्ता में है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12 जनवरी को आरोप लगाया था कि एलजी ने स्कूली शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने से रोक दिया था, जिससे दिल्ली सरकार और सक्सेना के बीच चल रही खींचतान में एक नया मोड़ आ गया था। सिसोदिया, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, उन्होंने दावा किया कि आपके नेतृत्व वाली सरकार ने प्रशिक्षण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और इसे एलजी के पास भेज दिया था, जिन्होंने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रशिक्षण देश में ही किया जा सकता है। केजरीवाल सरकार तभी से एलजी से शिक्षकों के फिनलैंड दौरे के मुद्दे पर सहमति मांग रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने शनिवार को कहा कि आपने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को गारंटी दी थी कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी जाएगी। प्रिंसिपल 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग सेमिनार में भाग लेंगे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।